अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी बेसिकली हेयर्स पे हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा भर गई है। तो अपने बालों का टेक्सचर स्मूथ करने के लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे वो है लेवॉन हेयर सीरम। आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा, ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये आपके बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा टैंगल्स को बहुत अच्छे से ईज आउट कर देता है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है साइक्लोपेंटासिलोक्सेन। इट मेक्स योर हेयर मोर मैनेजेबल, सपल एंड हाइड्रेटेड। और ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो ये आपके हेयर पर एक प्रोटेक्टेड लेयर बना देता है। इवन कि अगर आप हेयर अपने वॉश आउट भी कर लें तब भी ये लेयर वहीं पर रहती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें डाइमेथिकोनोल। ये आपके डैमेज्ड हेयर को सिल्की और स्मूथ लुक देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है C1215 अल्काइल। ये एक नॉन कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट है जो बहुत सारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। पहला जो था वो डाइमेथिकोनोल था, ये है डाइमेथिकोन। ये जो हेयर के क्यूटिकल है उसको स्मूद आउट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर आर्गेनिया स्पाइनोसा कर्नल ऑयल। ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपके हेयर को वॉल्यूम देता है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है और शाइनी बना देता है। और हाँ, इस सीरम में यही इंग्रेडिएंट है जो फ्रिज कंट्रोल भी करता है। सो सारे इंग्रेडिएंट्स ही इसके अंदर बहुत अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हेयर की तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन है। लेकिन नहाने से पहले ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे हेयर काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं और टेंगल फ्री भी हुए हैं और मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे लेकिन अब हेयर फॉल काफ़ी रिड्यूस हुआ है क्योंकि जब टैंगल नहीं होते हेयर्स में तो जब भी मैं ब्रश आउट करती हूँ अपने हेयर्स तो वो आसानी से ब्रश हो जाते हैं और हेयर्स कम टूटते हैं जिसके नतीजे में हेयर फॉल कम होता है। जहाँ तक इस सीरम की प्राइस की बात है तो वो है सिर्फ 700 रुपीज़ और ये सीरम काफ़ी देर तक चल जाता है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। आपने इसको नहाने के बाद डैम्प हेयर्स में अप्लाई करना है और थोड़ी देर बाद आपने अपने हेयर्स को ब्रश करना है। तो मेरी तरफ से ये सीरम फुली रिकमेंडेड है। आप भी इसको यूज़ करके देखें, अगर आपको भी मेरी तरह ये सूट करता है तो इसे अपनी एसेंशियल्स में ज़रूर ऐड करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।